चलिए कक्षा 10 में ये जो आखिरी चैप्टर है, छठा चैप्टर, इसका नाम है मानचित्र का अध्ययन। ऊपर से दिख रहा है कि नहीं? यस सर। मानचित्र का अध्ययन, अंग्रेजी में इसको मैप स्टडी कहते। क्या कहते रहे? मैप स्टडी। हाँ देखो, पहला ही कार्य पूरे ज्योग्राफी में ये जो चैप्टर है, इसमें हम बोले ना कि कितना नंबर का परीक्षा हम पूछा जाता है। कुछ ना अगर तुम्हारा कपार अगर खराब भी हो तो ऑब्जेक्टिव जरूर इससे आएगा। बात समझ रहे ना? दो चार ऑब्जेक्टिव आ जाएगा या एक दो सब्जेक्टिव भी रहता है, जैसे उच्च वच प्रदर्शन विधि रहता है। तो काहे ना लत खोल है। उच्चावच प्रदर्शन के विधि से पूछ देगा, हैस्यूर विधि क्या, स्पष्ट करे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप इस दृष्टि से समझिए, सिर्फ यही एक चैप्टर है जिसको समझना है। बाकी बात आधा ज्योग्राफी रटइए वाला सिस्टम है, तो रटना भी पड़ता है। अब आपको कह रहे हैं कि इसको समझिए। देखो पहला है मानचित्र अध्ययन, यानी कि मैप। आप पूछेगा उच्चावच निरूपण क्या है, इसका पूछ सकते हैं सवाल। yes, उच्चावच निरूपण क्या है? तो बोलिएगा, धरातल पर त्रिविमीय आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित करना उच्चावच निरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चावच निरूपण। धरातल के त्रिविमीय आकृति, थोड़ा मन माता होगा सर, त्रिविमीय आकृति क्या होता है समझाते हैं। एक होता है टू डायमेंशनल, क्या होता है, जिसको 2D कहता है। एक होता है थ्री डायमेंशनल, जिसको 3D कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं दुई बीमी है। क्या बोलते रहे? दुई बीमी है। देखो क्या लिख रहे हैं, दुई बीमी है, और इसका बोलते हैं त्रिबीमी। क्या बोलते रहे? त्रिबीमी। आप कहेगा कि सर 2D और 3D क्या होता है? आप गणित में पढ़े होंगे वैसी आकृति जो जिसमें लंबाई चौड़ाई हो वो 2D कहलाता है। क्या कहलाता है? 2D। आपका गुरुदेव कुछ होने समझे, समझ गए। जैसे ये वृत्त बना दिए ना रे, इसका मतलब है 2D है। क्या है रे? 2D। अब कहेगा सर 3D क्या ना हो? हम बता देते हैं, जैसे जैसे जमीन पर, जैसे यहाँ पर से लाइन खींच दिए, इसमें 2D जिस वस्तु में ऊंचाई होगा वो 3D होगा। क्या होगा? 3D होगा। अब कहेगा सर कैसे? तो जैसे मान लीजिए पेन ऐसे रखे हैं 3D। अब बताइए, ये तो इसका तो लंबाई है ही, yes, चौड़ाई भी है, और कुछ ऊंचाई भी है। ये कौन बीमी हो गया? 3D। 3 डायमेंशनल। कौन डायमेंशनल हुआ? 3 डायमेंशनल। अब जैसे देखिए, एक वो ई फिगर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कैसे ई फिगर बनाए, इसी में एक ऐसे फिगर बनाए। अब बताइए क्या डायमेंशनल है? 3D। आपको लग रहा होगा कि उठल है। यस यस सर। इसका बीमी है 3D। 3 डायमेंशनल 3D। कभी कभी एक्शन फिल्म देखिएगा, जैसे 3D फिल्म आता है, yes, उसमें ना आपको मोबाइल पर देख लीजिएगा तो उतना मजा आएगा। उसी में अगर आप उसका चश्मा लगा लीजिएगा, yes, हीरो ऐसे करके शीशा मारेगा ना, तो लगेगा शीशा टूट के हमारा मुंह घुस जाएगा। yes, अब बताओ ऐसा कैसा फील होगा? एक मक्खी आया था मूवी, उसमें देखे थे नहीं फिल्म में, उसमें एकदम बहुत गजब का दिखाएगा, ऐसे फेंट मारेगा शीशा तोड़ेगा, जैसे रावण आया था। देखिए उसमें शीशा तोड़ता है ना, तो लगेगा कि शीशा टूट के हमारा मुंह घुस गया, बहुत डरावना लगेगा। कार आगे में ब्रेक मारेगा, लगा दिया पर चढ़ गया था। तो बताओ कैसा फील होगा? उसको 3D कहा जाता है, बहुत बढ़िया। त्रिविमीय होता है, उसको क्या कहते हैं? त्रिविमीय। वैसे भी आप समझिए, मैप को देखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं। क्या कहते रहे? ऊपर वाले भाग को उत्तर मान ले। जैसे मान लीजिए कि हमारा सर उत्तर में है और पैर किस में है? दक्षिण में। सर है ना, इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ जस्ट लाइक ये बना दिए उत्तर, इसके नीचे क्या होगा? इधर पूरब, इधर मैप में हर हमेशा उत्तर ऊपर में होता, उसे उत्तर है, उसे ऊपर होता। बस सर है, आप समझते हैं। उच्चावच निरूपण का कुछ पौराणिक विधियां थी, प्राचीन में विधि था, समझ रहे ना? उस विधि को हम समझेंगे और समझने के बाद आपको बताएंगे कि अभी उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। बस समझे, पहला है हैस्यूर विधि। कौन सा विधि है? आपको पता है ना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का नाम सुना है? वही ऑस्ट्रिया जो इटली का एकीकरण में पूरा दिया था, तीतर बीतर कर दिया। yes, वही का राजा क्या ना, कौन नाम था रे? मेटरनिख। वही ऑस्ट्रिया का एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था लेहमान। क्या नाम था रे? लेहमान।
उन्होंने हस्यूर विधि दिया था। कौन विधि? याद रखने का इसमें कोई दिक्कत नहीं। एगो भस्मा सुर था, वो पहलवान था। क्या था? पहलवान। लहमान क्या रखेगा? पहलवान याद रहेगा ना। हस्यूर विधि किसने दिया? लहमान ने। लहमान ने वो क्या था? सैन्य अधिकार। किस देश का था? सब ऑब्जेक्टिव बन सकता है, असर है ना। पूछा जाएगा हस्यूर विधि किसने दिया? किस देश का था? और क्या था? सैन्य अधिकारी। बस सर है ना। वो क्या किया? वो जब युद्ध के लिए रणनीति बनाता था ना, तो वो एक पेज ले लेता था। ध्यान दीजिए, वो क्या करता था? एक पेज ले लेता था। पेज में मोटा लाइन दे दिया ना, मोटा लाइन, सटा सटा के मोटा लाइन दे दिया, सटा सटा के। बस रे, सटा सटा के मोटा लाइन दे दिया। और उसके बाद एक क्या करता था? बहुत पतला लाइन दे देता था। क्या करता था? पतला लाइन। मोटा लाइन देता था ना, जहाँ तीव्र ढाल होता था वहाँ क्या देता था? मोटा लाइन। क्या देता था? मैप में क्या पता चलेगा कि यहाँ पर मैं बहुत फिसलन है, बर्फ है, पता चलेगा? तो मैप में दिखाना ना पड़ेगा। तो मैप में दिखाने के लिए मोटा लाइन दिया जाता था। तो इसका मतलब हो जाता था कि वहाँ क्या है? वहाँ जाइएगा तो जल्दी जल्दी फिसलिएगा, ससरिएगा। और एक होता था पतला लाइन देता था, हटा हटा देता, उसको बोला जाता मंद ढाल। क्या होता रे? जहाँ पर खाली छोड़ देता तो वहाँ पूछता था फील्ड है, समतल है, क्या है? हस्यूर विधि में लहमान ने क्या किया? मोटी लाइन को तीव्र ढाल बताया और पतली और फैली लाइन को मत, जहाँ खाली छोड़ा उसको क्या बोला? मान लीजिए कि ये मैप वाला नक्शा है, ठीक है? मैप वाला नक्शा में अगर मोटा मोटा लाइन दे ले तो मतलब क्या है? और खाली है तो पतला पतला दूर, पतला पतला और दूर दूर, तो मंद लाइन। क्या है रे? मंद ढाल। कर ये बात समझ गए? इसमें कुछ दिमाग लगाया लहमान, कुछ नहीं लगाया। याद रखने भी पहलवान था, ऑस्ट्रिया का सैनिक का एक बहुत बड़ा पहलवान था। उन्होंने हस्यूर विधि दिया। हस्यूर विधि में क्या दिया? कि जहाँ मोटी और सटी हुई लाइन हो वह तीव्र ढाल हो। क्या होता है? जहाँ पे समतल हो, खाली हो तो खाली होता वह समतल होता है। जहाँ पर पतली और हटी हटी लाइन होती है उसको मंद ढाल। हस्यूर विधि समझ गए? अब आते हैं पर्वतीय छायाकरण विधि। पर्वतीय छायाकरण विधि। अब देखिये पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या किया जाता है? उत्तर पश्चिम से माना जाता है कि प्रकाश आता है। आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम क्या होता है? जैसे मान लो ये उत्तर हुआ, यस सर, ये दक्षिण हुआ, यस सर, ये पूरब हुआ, यस सर, ये हुआ पश्चिम, हुआ ना जी? यस सर, पश्चिम। क्या माना जाता है कि सूर्य का प्रकाश जो है इधर से पड़ता इस दिशा से, इसीलिए इसको उत्तर और पश्चिम कहते हैं। बस समझ आ रहे? तो जब सूर्य का प्रकाश उत्तर पश्चिम से पड़ेगा तो छाया बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लिया जाता है कि किसी पर्वत पर अगर उत्तर पश्चिम से प्रकाश दिया जाए, उत्तर पश्चिम से प्रकाश दिया जाए, अगर जिस तरफ छाया बनेगा उसका, उस छाया के तरफ को तीव्र ढाल मान लिया जाता है। क्या माना जाता है? तीव्र ढाल। समझ में? यस सर। पर्वतीय छायाकरण विधि का एक ही विधि है। छाया माने होता है उसका छहरा, जगह गाँव हमने कहते रहे, छाई कहते वैसा ही सेम बात है। अब पूछा जाएगा पर्वतीय छायाकरण विधि में पर्वत को किस तरफ से प्रकाश या किरण आने की बात की जाती है? उत्तर पश्चिम से प्रकाश जब दिया जाता है या प्रकाश पड़ता है तो जिस तरफ छाया बनेगा उसको क्या माना जाता है? इस वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे? कोई डाउट? नो सर। यही है पर्वतीय छायाकरण विधि। कुछ विशेष अभी बताए हस्यूर विधि में क्या होता है? मोटी और सटल सटल लाइन तीव्र ढाल, खाली तो समतल, पतली तो मंद ढाल। उत्तर पश्चिम से प्रकाश दिया जाता है ना, उत्तर से प्रकाश, उत्तर पश्चिम से प्रकाश दिया जाए तो क्या होगा? तीव्र ढाल। अब आइए दालचीनी, ये बहुत जरूरी सी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दालचीनी का इसको अंग्रेजी में बेंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंचमार्क। बेंच क्या स्पेलिंग गलत है? बेंचमार्क कहते हैं।
इसको शॉर्टकट में बीएम कहते हैं। पिछले बार पूछा था दो तीन साल पहले, बीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बेंचमार्क। बीएम का फुल फॉर्म अभी तो आपको आ रहे बेंचमार्क, लेकिन जब अगर परीक्षा में पूछ देते तो आप जवाब नहीं देते। बहुत बच्चा कहा कि सर आउट ऑफ सिलेबस है। अरे बकलोल, बेंचमार्क मतलब बीएम होता है। क्या होता है? बीएम होता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि तुमको जमीन नापना है, तो आप मान लीजिए कि कोई जकरा कहावत है जकर लाठी ओकर भैंस, लेकिन कहावत के वो देखे। अगर मान लीजिए संविधान क्यों बनाया गया, आप मान लीजिए कि हम 10 बापते हैं, आ किसी का किसी एक बापते उसका जाकर जमीन हड़प लिए, हड़प लिए हड़प लिए, तो फिर तो सरकार कहेगा कि ठीक है हड़प लिया, तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता जी। तो सरकार क्या किया, एक नियम बनाया, एगो पैमाना फिक्स किया कि इतना को लाठी से नापो, पांच लाठी इकट्ठा हो जाएगा, करे yes. है कि नहीं yes. देखते ट्रैक्टर खेत जोते जाता है तो लाठी लेके चलता है yes, उसका नापा मापा जाता है ना। वैसा ही अगर मान लो कि तू घर बनाया, ध्यान दो रे, अगर मान लो कि तोर तू घर बनाया, घर बनाया, तुम सोचेगा ना कि हमार घर कितने हाइट है, हम ऊपर में लिख दे, लिखेगा नहीं लिखेगा, मन होगा तो कहाँ से नापेंगे? सोच लीजिए, समुद्र तल जो होता है ना, समुद्र का जो पानी होता है, उस तल से हमारा हाइट घर का नापते आएंगे, और उसके बाद घर को नापेंगे, जितना हाइट होगा उसको बीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीएम। जैसे घर पर हम मान लीजिए कि समुद्र तल से नापे हाइट 500 बीएम। अब तुम सुनता होगा कि सर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना होता है, तो आप ना कहते हैं ना कि मैंने 88-85 मीटर हाइट है। कहाँ से आया? कहाँ से आया? समुद्र तल से नापा है। कहाँ से नापा है? प्रत्येक शहरों में देखिएगा 0 माइल होता है। क्यों होता है 0 माइल? क्यों 0 माइल इसलिए होता है कि वहां से उस जिला का पूरा एरिया नापा जाए। बस समझ रहे ना? वैसा ही अगर कोई समुद्र तल से अपना हाइट लिखा, समुद्र तल से रेलवे स्टेशन पर जाओगे ना, दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पर जाना, और वहां पर स्पष्ट लिखा होगा, बोर्ड को लगा होगा, दलसिंह सराय लिखा है, बोर्ड पर लिखा होगा प्लेटफॉर्म का लंबाई, उसके बाद लिखा होगा समुद्र से ऊंचाई, फीट में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, बस समझ रहे ना। अब ये देखना क्या लिखा होगा, समुद्र से ऊंचाई 500 फीट, 800 फीट, उस समुद्र से नापा हुआ ऊंचाई है, बस समझ रहे हैं। जो समुद्र से नापेगा ऊंचाई उसको बोलेगा समुद्र, समुद्र से ऊंचाई लिख दिया तो ठीक, और नहीं तो बीएम लिख देगा। क्या लिखेगा? बीएम मतलब बेंचमार्क, उसी को तल चिन्ह कहते हैं। क्या कहते रहे? समुद्र के तल से जो हाइट होगा उसको क्या कहलाता है? बेंचमार्क। गांव घर में तो ये नहीं बेंचमार्क देखने को मिलेगा, लेकिन रेलवे स्टेशन पर तुम जाना तो याद करके देखना, तुम गारंटी तुमको बेंचमार्क वाला मिलेगा, समुद्र तल से ऊंचाई लिखल मिलेगा। आज जाएगा कभी बाजार जाना तो तुम इस बात पर फोकस करना, वहाँ लिखल होगा समुद्र तल से ऊंचाई या फिर आपको बीएम लिखल होगा। क्या लिखल होगा? बीएम। वो बोर्ड रहता है ना, बोर्ड जहाँ स्टेशन का नाम लिखल होगा उसी के नीचे में लाल से लिखल होगा। यहाँ हो सकता है नहीं, लेकिन वहाँ है, लेकिन होना चाहिए प्रत्येक स्टेशन पर। बस प्रत्येक स्टेशन पर समुद्र तल से ऊंचाई इसलिए लिख दिया जाता है कि उससे लोगों को समुद्र की ऊंचाई से घर का मापने में एक सही पैमाना मिल सके। बस समझ रहे ना आप? देखिए समुद्र तल से ऊंचाई समझ गए ना, कि समुद्र से जितना हाइट पर हम बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? समुद्र तल से ऊंचाई, जिसको बीएम बोलते। क्या बोलते रहे? बीएम। बेंच मार्क। बेंच मार्क। तल चिन्ह कहते हैं ना, तल चिन्ह कहाँ से मापा जाता है? समुद्र के तल। मान लीजिए कि इस जगह पर समुद्र है, आप वहाँ घर बना रहे हैं, तो क्या करेंगे आप जो है समुद्र तल का यहाँ हाइट नाप लिए हैं, और उसके बाद नापते नापते वहाँ ले जाएगा, फिर ऊपर से हाइट नाप लेंगे, तो उससे समुद्र तल से जितना हाइट होगा ऊपर लिख दीजिएगा, एक बढ़िया सा पटरा ठोकवाइए वहाँ पर लिख दीजिए समुद्र तल से ऊंचाई 5 फीट। जैसे मान लीजिए देखिए ना, समुद्र बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं यहाँ, समुद्र बनाने के बाद अब मान लीजिए कि यहाँ से समुद्र का दूरी 500 किलोमीटर मान लेते, बंगाल की खाड़ी यहाँ से 500 किलोमीटर समुद्र है ना, तो क्या किया गया होगा कि समुद्र से उसको नाप, समुद्र का हाइट नाप लिया, वो जो देखता होगा जो वहाँ जो देखता रोड जो बनाता रहता है भी हाइट को नापता है, कितना कितना लेवल मिला पर कर रहा है, हाँ उसको कहा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उससे उसका हाइट नाप लिया, और जब यहाँ आया
समुद्र तल से, तो वहाँ हाइट को नोट किया, यहाँ नोट, और फिर उसका देख लिया प्लेटफॉर्म का हाइट कितना, बस उसको नोट करके लिख गया कि जमीन से कितना हाइट पर प्लेटफॉर्म बना, इसलिए बेंच मार्क कर लेता बस। अब वहाँ से फीता बिछे ना थोड़े आता, अब तोरा ने मन, अब जैसे मान लो कि हम ये घर बनाए हैं, हम इस पर क्या के समुद्र से नाप के हाइट को लिख दिए और वहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए कि समुद्र तल से ऊंचाई 2000 किलोमीटर लिख दिए जी सर। अब क्या हुआ कि मान लो कि तू हो पड़ोस में घर बनाया, पड़ोस में घर बनाया, अब पड़ोस में घर बनाया और उसको बोलते स्थानीय कुछ स्पॉट हाइट, क्या किया देखा कि रेत तोड़ी के भी लिखा हम भी लिखेंगे, हम भी लिखेंगे, तो तू समुद्र से मापने के लिए नहीं गया, हमारे घर से ऊंचा नाप लिया उसी पर वहाँ लिख दिया, तो वहाँ आप बीएम नहीं लिख सकते, वहाँ आप लिखेगा एसएच, क्या लिखेगा एसएच, हाँ क्योंकि आप हमने समुद्र से नापे और आप क्या किए हमारा नाप से लिखे ना, तो मान लीजिए तो ये लिखेगा 800 SH लिखेंगे, क्या लिखेंगे यानी कि स्थानिक ऊंचाई स्पॉट हाइट, एसएच का फुल फॉर्म क्या होता है स्पॉट हाइट, एसएच ऊंचाई आप सब बड़ा वही ना, देखो ना 800 क्यों लिखे, जैसे मान लीजिए हमारा घर 500 पर है तो हम क्या किए वहाँ से ना हम अपने घर का लंबाई नाप ली, जितना हाइट है ना आप 500 लिखे हुए हम, अब मान लीजिए 300 फीट और हमारा ज्यादा बड़ा तो हम वहाँ पर ऊपर लिख देंगे 800, लेकिन क्या लिखेंगे बीएम, क्या लिखेंगे एसएच, बात समझ रहे हैं, ये सब पौराणिक परंपराओं में था, अभी सब बंद हो गया, खाली आपको तल चिन्ह वाला जरूर मिलेगा, आप चेक करना, बस समझ रहे हैं, स्थानीय ऊंचाई समझ गए, स्पॉट हाइट ठीक है, स्पॉट हाइट क्या होता है जब आप समुद्र से नाप लीजिएगा, पड़ोस में नाप को कोई लिखने है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना है, तो आप अगर एक्स्ट्रा घर बना रहे हैं तो उसके हाइट से आप बढ़ा दिए या उसके हाइट में बनाए तो आप वहाँ पर लिखिएगा कि स्थानीय ऊंचाई यानी स्पॉट हाइट इतना है, बस है ना, कोई डाउट नो सर, इतना बात समझ गए, थोड़ा सा और समझिए बस हो गया। आप समझते हैं अस्तर रंजन विधि, अस्तर रंजन का मतलब होता है, रंजन मतलब रंग होता है, क्या होता है रंग होता, आप डाई क्लीनर सुने होंगे ना, कहते हैं कि जांचिए कपड़ा एकदम अथी करवाएंगे डाई करवाएंगे, ड्राई को कलर करवाएंगे ना, अगर रंग उड़ गया है तो, वैसे अस्तर रंजन विधि था, इसमें कुछ आपके किताब में दिया हुआ जिसको खोज के लिख दिए, पहला है मैदानी को हरा रंग से दिखा, याद करने कोई जरूरत नहीं, जंगल ऐसे भी हरियर होता है, पर्वत को भूरा बादामी या कत्थई रंग से दिखाते हैं, पर्वत को किस रंग से भूरा बादामी या कत्थई रंग से दिखाया जाता है, इसको याद करना पड़ेगा, जल को नीला ग्रह, पृथ्वी को ऐसे भी नीला ग्रह कहा जाता है, जल को नीला से दिखाते हैं, कैसे दिखाते रहे, इसीलिए आसमान नीला नजर आता है समुद्र की वजह से, बोलिए क्या बोले थोड़ी इस शब्द मतलब अपना मुनि से याद तीर पर्वत वाला नहीं याद होगा, भूरा बर्फ का सफेद से दिखाते, वैसे भी बर्फ क्या होता है सफेद होता है, आपसे पूछेगा कि बताइए अस्तर रंजन विधि में बर्फ को किस रंग से दिखाते, पर्वत को भूरा बादामी और उसके बाद मैदान को किसे दिखाते हरा रंग से, क्योंकि मैदान में घास होता है हरा भरा होगा, देखते हैं क्रिकेट वगैरह खेलते पूरा हरा हरा रंग बहुत ग्रीन हरा हो गया। आप समझते हैं त्रिकोणमितीय स्टेशन, आप कहेगा कि सर ये क्या होता है, ये एकदम बिल्कुल इजी है, आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए जिस पर आप नक्शा बनाने जा रहे हैं, आप क्या कीजिए कि पहाड़ का हाइट नाप लीजिए, एगो पहाड़ और उस पर जितना हाइट है उसके ऊपर में हाइट का नाम लिखिए, पहाड़ का फोटो बनाइए लिख दीजिए कि 300 फीट हाइट है 300 लिख दीजिए, बगल फिर पहाड़ पर गए फिर पहाड़ बनाइए 200 है तो 200 लिख दीजिए, फिर अगला पहाड़ गए 500 है तो 500 लिख दीजिए, पहाड़ों के आकृति बनाकर पहाड़ों की आकृति बनाकर उस पर उसकी हाइट लिख देना ही त्रिकोणमितीय स्टेशन, बात समझे त्रिकोणमितीय स्टेशन। अब सबसे मेन बात, अब सबसे मेन बात क्या है, ये समझ गए ना तो सब कुछ समझ गए, माने आखिरी भला था सब, अंत भला तो सब, हाँ वही बात आखिरी समोच्च रेखा, इसको अंग्रेजी में कंटूर लाइन, कंटूर लाइन समझ रहे हैं, कंटूर लाइन क्या होता है इसे समझिए, अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ,
और इसके लिए मार कर जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए इसमें आप देख रहे हैं कि दो हाई दो वैरायटी का पेन है एक मार्कर और एक पेन। अब जैसे हम क्या करेंगे से देखिए हम क्या किए कि देखे कि ये भी ये पेन वाला है तो पेन वाला को ऐसे करके एक लाइन बना दी। लेकिन जैसे मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा हो रहा है आपके गांव आपके गांव में ऑर्केस्ट्रा होगा तो लोग जो वॉलंटियर सब होते हैं प्लान बनाते हैं ना कि कम से कम इतने हाइट पर स्टेज होना चाहिए तब वहाँ पर धामर धामर होगा लोग सब देखेगा बनाते है ना कम से कम इतने हाइट का स्टेज बनाना बनाएगा रे तब ऊपर नाच होगा। वो जो अंदाजे जो है ना कर रहे हैं उसी को हम लोग समुच्चय रेखा जैसे मान लीजिए कि पहाड़ है ना इसको ऐसे करके कह दिए रे एगो ई हाइट हुआ ना जी एगो ई स्केज वाला हाइट हुआ ना इसको अंदाज एगो अनुमानित फोटो बनाए कि नहीं बनाए एगो ई वाला ई तीनों एना मिला दे जैसे कभी देखेगा झोपड़ी उपड़ी को घर बनेगा ना तो पहले ही क्या करता है जो बनाने वाला होता है वो क्या करेगा मान लीजिए एगो यहाँ खम्मा गड़ा गाड़ दिया ना उसके बाद क्या करेगा रस्सी गिरा के देखेगा कि तीनों हाइट सेम है कि नहीं तब ऊपर देगा बांस वैसा ही होता है ये समोच्च रेखा। अभी 200 वाला है 200 वाला है 200 वाला है क्या क्या एगो लाइन बना ले करिए तो 200 वाला एरिया में गोल करके 200 वाला हाइट वाला पहाड़ एगो है और फिर 500 वाला पहाड़ एगो है और फिर 300 वाला पहाड़ एगो है ऐसे करके नाप लिया अंदाज नहीं लगाते आप लोग भी तो अंदाज लगेबे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैच हो रहा है अब कहेगा कि जो आज छह से फलना खिलाड़ी 200 रन तो जरूर मार दो अब वो सोच लिया ना तो सोच लिया था क्या किया वैसा ही जैसे मान लिया हम बताए कि प्रोग्राम हो रहा रामलीला हो रहा रामलीला में स्टेज बना रहे तो एक पूरा बना अब जैसे मान लीजिए क्या बचपन में जो लोग सोचता होगा कि कम से कम इतने जो छ हाइट में कूद जेबे न आर्मी के बहाली में हम चलिए बताए इतने जो कर रहा है इतने ये जो अनुमानित जो कर रहा है देखो इतने हाइट में कम से कम इतने हाइट होनी चाहिए नदी में इतने पानी इतने जो हाइट जो बना रहे हैं ये क्या है काल्पनिक लाइन है और जो बराबर कर रहे हैं इसी को बोलते हैं पहाड़ को। अब देखिए क्या करें पहाड़ को ऐसे करके लाइन बनाइएगा तो ठीक है अगर पहाड़ को मिटा दीजिएगा तो आपको पता पड़ेगा कि जहाँ एना होगा कि नहीं होगा खाली लाइन बचेगा तो उसी को लाइन को जब ऐसे कर दिया जाता है तो उसी लाइन को यानी कि समोच्च रेखा उस रेखा को कहते हैं जो समतल रेखाओं को बराबर कर देता है सभी मैंने समान कर देता है समझ रहे हैं समोच्च रेखा मतलब समान करने वाली रेखा बात समझ में आई। सियोर विधि में क्या किया जाता है एक लेहमान नाम का व्यक्ति था ऑस्ट्रिया का सैन्य अधिकारी मोटा और सटल सटल लाइन तीव्र खाली जगह था पतली और हटा हटा लाइन पर्वतीय छायांकन विधि में प्रकाश किस तरफ से दिया उत्तर पश्चिम से जिधर छाया बनता है उसको क्या कहते हैं कोई डाउट नो सर। अब आइए तल चिन्ह समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं बेंच अक्सर कहाँ मिलता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाइएगा तो प्लेटफॉर्म के दूरियो लिखल होगा और उसके बाद वो भी लिखल होगा इसका कितना हाइट है समझ रहे आप जाना बाजार तो जरूर इस बात का ध्यान देना तो ना याद रहेगा समुद्र तल समझ गए ना एक होता है स्थानीय ऊंचाई जिसको बोलते हैं स्पॉट हाइट क्या बोलते हैं उसको स्पॉट हाइट कहते हैं पहले से जो समुद्र तल से नापा रहता है अगर उससे नाप के अगर हम घर बना लेते हैं तो वो घर क्या कहलाता है स्थानीय ऊंचाई स्पॉट हाइट क्या कहलाता है स्पॉट हाइट। अस्तर रंजन बताए कौन सा विधि हरा रंग इसको दिखाता है मैदानी को पर्वत जल को नीला बर्फ को अच्छा त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या होता है
अब ये पेज लेके जाइए, पहाड़ का हाइट नाप के उसके ऊपर लिख दीजिए तो क्या का लगा? त्रिकोणमितीय स्टेशन का लगा। पहाड़ का हाइट नाम के उसके ऊपर में पहाड़ का फिगर बना कर लिख दीजिए हाइट, तो कौन आकृति हो गया? त्रिकोणमितीय स्टेशन होगा। क्या होगा? ये सब बराबर नौटंकी खत्म है। अब समोच्च रेखा में वह रेखा है जिसके मैंने कि बहुत सारे जैसे अलग अलग पहाड़ी है उसका हाइट नाप ली, फिर उसका हाइट नाप ली, फिर उसका हाइट नाप ली, यानी कि बराबर रेखाओं में हाइट नाप ले तो उसको क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंटूर लाइन। कंटूर लाइन क्या कहते हैं? ये बात आप समझ गए? तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम लिखा